तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, जस्ट क्वेश्चन ने थोड़ा सा मोड़ ले लिया है। इसमें बोला है कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल एंड यू हैव टू शो दैट पी क्यू आर एस ए रोम्बस। ए बी सी डी रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस रोम्बस उल्टा जस्ट उसके है ना, ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, और ये गिवन है आपका। तब स्टूडेंट ध्यान दें, हम ये जानते हैं कि ये मिड पॉइंट्स हैं। क्या है ये मिड पॉइंट? ये मैंने डायग्राम बनाया है इसी, ये जो मिड पॉइंट है तो वही कंडीशन, इसके पैरेलल होगा और इसके ये हाफ होगा, ये हाफ इसका हाफ इसके बराबर होगा, ऐसी कंडीशन इसको कर लेंगे जो प्रूफ कर चुके हैं पहले दो क्वेश्चन में। तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ पी क्यू आर एस इज अ पैरेलल ग्राफ, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रूफ क्या करना था मुझे, ये रोम्बस है, रोम्बस से बच्चे में ध्यान देता हूँ, डी ए डी ए इक्वल टू सी बी होगा क्योंकि रेक्टेंगल है ठीक है। ओके नाउ आधा करता हूँ, जब मैंने आधा किया तो मेरे को क्या मिला, डी ए का ऐसे मिल गया और इसका मिल गया क्यू बी, ठीक है। पी मिड पॉइंट है, पी इज़ अ मिड पॉइंट, और जब पी मिड पॉइंट है तो बच्चे ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी मिल गया। और मैं ये भी जानता हूँ, क्या जानता हूँ भाई मैं, अब एस ए पी एस ए पी इक्वल टू क्यू क्यू है क्यू बी पी क्यू बी पी। अब चेक कर लो कि ये साइड इस साइड के बराबर थी, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, रेक्टेंगल है भाई, 90 डिग्री होगा ध्यान रखना है ना, रेक्टेंगल की कंडीशन में शो कर रहा हूँ मैं इसको, और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो क्या ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो गया, एस ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू बी पी। चेक करो भाई, चेक करो जल्दी से है ना भाई, भाई एस ए एस एस ए एस क्राइटेरिया है ना। अब चलते हैं, जब ये है तो भाई सी पी सी टी में ये करूँगा, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं भाई सी पी सी टी क्या कहूँगा कि एस पी इक्वल टू पी क्यू है ना, सिमिलरली इस ट्राइंगल को देखूंगा मैं तो ये भी बराबर हो जाएंगे ना, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर और दस क्यू आर इक्वल टू आर एस और आर एस इक्वल टू एस पी, मतलब कि ऑल साइड्स आर इक्वल राइट। जब एक कंडीशन तो प्रूफ हुई हमारी है ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल, अभी कंडीशन और बचती है ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम शो कर चुका हूँ ध्यान देना, मैंने ये ड्रॉ किया, कुछ नया फिगर बन रहा है ध्यान देना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तब मैंने ध्यान दिया कि ये साइड तो बराबर था ना इसके, सबके बराबर है क्योंकि अभी प्रूफ किया ऑल साइड्स आर इक्वल, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी। तो मैंने क्या देखा कि जब डायगोनल्स होते हैं ना वो किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल को, ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल यहाँ ओ मान लेता हूँ, तो एस ओ आर एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर, तब ध्यान दो एंगल ये साइड साइड के बराबर है, पहले तो मैं इसको लिखता हूँ एस आर इक्वल टू आर क्यू, दूसरा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड आप बीच में देख रहे हैं ना आर ओ इक्वल टू ओ आर, तब मैं ये कह सकता हूँ ना कि एस ओ आर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू ओ आर। चेक करो ध्यान दो, देखो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के जब कॉन्ग्रेंट हो गया, कुछ समय के लिए मैं इसको रफ करता हूँ ध्यान दो, अब ध्यान दें जब ये हो गया ना तो बाई सी पी सी टी क्या कहता है कि एस
एस ओ आर इज इक्वल टू द आर ओ पी या क्यू ओ आर। देखो जरा देखो, ये इंग्लिश इंग्लिश कॉन्ग्रेंट होगा ना, बराबर होगा ना जब कॉन्ग्रेंट दोनों ट्राइंगल। तो चलिए इक्वेशन नंबर इसको डाल दो, कोई डाला है कि अभी तक नहीं डाला तो डाल देता हूँ, वन डाल दो कोई दिक्कत नहीं पहचान के लिए। अब पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, मैं इसके बाद आगे पार्ट बताता हूँ क्यों रफ करना होगा मुझे। चलिए नोट कर लीजिए इसे ध्यान दें। जब मैंने दिखा दिया ये इसके बराबर है तो मुझे ये भी बताया ना, स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनते हैं ना वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, है ना। ओके तो एंगल एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट है ना। ध्यान दो, क्या हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे बच्चे दोनों इक्वल है, एस ओ आर इक्वल टू मैंने लिखा 2 एस ओ आर, इसको डबल कर दिया मैंने 180, मेरे को फिर पता है कि 2 से डिवाइड करने पर 90 आएगा। देखो जरा देखो, ये मेरा 90 है, ये इसके बराबर, तो ये भी तो 90 होगा, फिर ये भी 90 होगा और फिर ये भी 90 होगा। तो हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। चलिए इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देता हूँ। बस इसमें दिखाया गया है कि कोई भी एक ट्रापेजियम है, इज अ मिड पॉइंट है, और उसके बाद एक लाइन खींची गई, ड्रॉ की गई इसे, तो वो बी डी डायगोनल को और बी सी को काटती हुई जाती है। तब मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तब बच्चों ध्यान देते हैं ना, ध्यान दो, मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप ध्यान देंगे। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है तो उस पर ध्यान कम देंगे आप, मैं दूसरा मार्कर चेंज करता हूँ। तब बड़ा मेरे ध्यान दो कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इस ए बी डी में ई मिड पॉइंट है ना, इसको मैं ओ मान लेता हूँ। तब और ई एफ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ए बी, हैंस ई एफ पैरेलल टू ए बी, भाई ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये इसकी भी तो पैरेलल होगी। तब ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल लाइन है, तो मैंने ध्यान करो उस मिड पॉइंट थ्योरम को कि ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है इसके, तो ये भी तो मिड पॉइंट होगा ना भाई। मिड पॉइंट थ्योरम ध्यान दें, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है हमारी कि ओ विल बी मिड पॉइंट, क्या होगा ये ओ वाला मिड पॉइंट होगा। बात क्लियर, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ इससे मिड पॉइंट थ्योरम से। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी से चलता हूँ कि ओ एफ, ओ इज द मिड पॉइंट, अभी प्रूफ किया भाई फर्स्ट है, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी डी है ना, इस बी डी का ओ मिड पॉइंट है। तब स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये इसके पैरेलल है, ओ एफ मैं इधर लिखता हूँ, ओ एफ इज पैरेलल टू सी डी। ध्यान दो ये पूरी लाइन वही है, इसके जो पैरेलल हैं वो यही लाइन है, ये दोनों अपोजिट पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल, ये भी लाइन उसी लाइन में जुड़ी हुई है इसलिए पैरेलल होगा। तब मैंने कंडीशन फिर दो, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, भाई ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या होगा ना एफ विल बी मिड पॉइंट। अरे बोलते क्यों नहीं हो, होगा कि नहीं होगा, और यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, बोल दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते ही इसको स्टॉप करके आप आराम से नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फाइव की कहानी कुछ ऐसी है, इन्हें पैरेललोग्राम में पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन को आप समझेंगे। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, फिगर गिवेन है इसमें, और सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, कहाँ हैं ए एफ एंड ई सी, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। भाई बी डी को ट्राइसेक्ट कैसे करते, मतलब कहने का यही है। चलो देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। बच्चों जो पैरेलल ग्राम है तो ए बी सी डी के पैरेलल होगा, ये जाहिर सी बात है। तो ए बी इक्वल टू सी डी भी होगा, ये भी जाहिर सी बात है ना। मैंने इसको आधा किया, मुझे आधा करने की बड़ी आदत है, हर क्वेश्चन में लगभग आधा ही कर रहा हूँ मैं। जब मैंने आधा किया तो मेरे को कुछ पार्ट मिला, क्या मिला, एफ सी, लेकिन ए बी का पार्ट ये ए ई, ठीक है ना। सी डी का आधा किया तो एफ सी। मुझे सिर्फ ये बता दो कि जब दो, ये पैरेलल भी है भाई, ए ई पैरेलल टू एफ सी, जब ये पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ए ई सी एफ, ए देयर फोर ए ई सी एफ इज अ पैरेलल ग्राम। भाई ये भी तो एक पैरेलल ग्राम बन गया ना। अब जब ये पैरेलल ग्राम बन गया तो ये आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है ना। तो ए एफ पैरेलल टू ई सी, ठीक है, ए सी है, ये ई है। अच्छा अब चलते हैं आगे। नाउ इन ट्राइंगल सी क्यू डी, दिख रहा है ना आपको, चलो मैं दिखाता हूँ। सी क्यू डी, इस ट्राइंगल की बात करो, दिस वन है ना, मैं डबल करता हूँ तो आपको समझ आएगा। बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना कि जब एफ इज अ मिड पॉइंट, दे रखा है ना, एफ इज अ मिड पॉइंट, मैं लिखता हूं, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, देखो ना, पहले चेक करो, ये देखो ये पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है ना। क्या है कंडीशन, क्या है कंडीशन, ये है कि पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी, और कंडीशन वही मिड पॉइंट को याद करो कि जब ये इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो पी मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। P, मैं लिखता हूँ, P will be midpoint of a side BD, DQ, sorry, बात क्लियर है। अच्छा जब ये midpoint होगा मेरे बच्चे तो ये दोनों पार्ट बराबर नहीं होंगे क्या, क्या DP equal to PQ, मैं इक्वेशन नंबर वन मान लूँ, कोई दिक्कत आई किसी को, अरे दिक्कत है क्या, चलो दिक्कत नहीं, तो फिर आगे बढ़ो। नाउ इन ट्राइंगल ए बी पी, दिख रहा है ना ए बी पी, फिर से मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखो चल नहीं रहा, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश भरपूर है इसको हाईलाइट करने की, ध्यान दो मेरे बच्चे, ध्यान दो, ई इज अ मिड पॉइंट, ई इज अ मिड पॉइंट है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन ले लिया मैंने। तो ये वाली लाइन ना ई क्यू पी ए पी की पैरेलल है, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, भाई ये पैरेलल ग्राम था ना इसलिए। तब ध्यान दें, जब ये इसकी पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है तो क्यू क्या होगा, क्यू विल बी मिड पॉइंट, और किसका मिड पॉइंट होगा भाई, बी पी का ना, बी पी, बी पी क्या है यहाँ पे, ब्लड प्रेशर नहीं है भाई, बी पी एक साइड ट्राइंगल की। सो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इसकी, जब ये क्यू मिड पॉइंट है तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, सब कुछ आप जानते ही हो, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो, पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी इक्वेशन नंबर टू, ध्यान दें फर्स्ट सेकंड से बात करें कि डी पी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थ्री पार्ट बन गए, तो भाई हैंस प्रूफ हो तो गया ना, यही पूछा है कि डायगोनल बीडी है ना वो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करती है, तीन पार्ट का मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में, तो हैंस क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है भाई, वही लिखा है कि द लाइन सेगमेंट ई एफ, द लाइन सेगमेंट ई एफ एंड, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है ना, कोई बात नहीं, इसका लास्ट टाइम है, ये सब फेंकना पड़ेगा मुझे अब, एंड ई सी, धोखेबाज है ये मार्कर,
ट्राइसेक्ट है ना, ट्राइसेक्ट द डायगोनल, डायगोनल को डी आई ए लिखता हूँ मैं बस, क्या बी डी, हैंस एच पी लिख देता हूँ ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है ये।